when you are dealing with Renaissance, what you need to discuss or what you need to research is basically the causes. Renaissance क्यों हुआ, causes क्या थी, ठीक है, what were the effects, effects क्या हुआ, ठीक हो गया. आप लोग ready नहीं है पढ़ा सकती. Renaissance है क्या, आप लोग पढ़ के आए, जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, सो दैट आई मस्ट नो दैट वॉट इज इन योर माइंड, आपके पास क्या प्रायर नॉलेज है रेनेसेंस के बारे में. इवन ज्योग्राफिकल बड़ी एक्सप्लोरेशन मिल रही हैं. तो बेसिकली इट वॉज द टाइम व्हेन द यूरोप वोक अप विद द डीप स्लम्बर. वो जो 13वीं सदी तक वो एक डार्क एजेस और उसके बाद मिडिल एजेस चली चली जा रही थी, उसके बाद समझो निशाते सानिया कहते हैं इसको, रेनेसेंस इसको जो है वो यूरोप को जगा दिया, पूरे यूरोप को. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट. You must have a little bit idea. आपको होना तो चाहिए. I don't know कि क्यों नहीं है. बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा रेनेसेंस के बारे में. पढ़ा है तो बताएं ना, पूछ तो रही हूँ आपसे. असल में मुझे अंदाजा हो जाता है जब थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं और मुझे आपको वहाँ से लेके चलना है. अरे रट्टा कैसे लगाते हो, फिर फेल नहीं होते रट्टे लगा के, चार चार जीपी आ जाती. अगला क्वेश्चन पूछो किस चीज का, एंड दे आर लाइक कौन सी लैंग्वेज रिवाइव हो गई, कौन सा लिटरेचर रिवाइव हो रहा है, नो कौन रिवाइव हो रहा है, किसका रिबोर्ट है, इंग्लिश. इंग्लिश तक इसको कन्फाइन ना करें, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी. पूरा यूरोप जो है वो इसके बल्कि इस ओरिजिनेट इटली से हुई. It is not a native English movement. It is a version है और इसने पूरे यूरोप को जो है वो आप कह रहे हैं इफेक्ट किए. ठीक, इंग्लिश में लेटर ऑन 16th सेंचुरी में इसमें आप कह रहे हैं इसके सम्राट जो थे वो इंग्लैंड में तो 16वीं सदी में पहुंचे, स्टार्टिंग 15 में हो गई. गॉट दिस, इफ यू सिंपली पुट इट, दिस इज द रिवाइवल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट. एक नई ह्यूमन स्पिरिट जनरेट हुई पूरे यूरोप में और ये उसी का रिवाइवल है. अब हम देखते हैं कि ये ह्यूमन स्पिरिट थी क्या और इसके पीछे क्या रीजंस थी. व्हाट वर दोज इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स व्हिच इंस्टिगेटेड दिस सॉर्ट ऑफ यू कैन से अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट. ठीक है, हम देखते हैं. मैंने जैसे नाम बताया रेनेसांस मींस रिवाइवल और रीवर्ल्ड. बच्चे समीर आप क्या करेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ या मैं अपनी डायरी दे दूंगी इसकी, बेटा आप पॉइंट्स बना लेंगे पीपीटी में, फिर हम इसको अपलोड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड होता है ये इतना रफली यूज होता है और मेरी राइटिंग तो मुझे समझ में नहीं आती आपको क्या आएगी. ठीक, तो रिवाइवल और रीवर देखते हैं हम किस चीज़ के. अच्छा, रेनेसांस पढ़ने से पहले यू एट लीस्ट नाउ यू आर लिटिल बिट फेमिलियर अबाउट द 14th सेंचुरी सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द. हम देख रहे हैं मिडिल एजेस के बाद आएगी ना 14th सेंचुरी तक, आपकी जो 14th सेंचुरी चौसेरीन पीरियड है या उसके बाद का जो 15th सेंचुरी है इंग्लैंड में वो मिडिल एजेस ही कहलाता है या मिडिवल पीरियड. ठीक है, मिडिवल पीरियड फ्यूडल इन नेचर है, आपने देखा सोशल हायरार्की उसकी तरह की है,
दूसरी जो चीज हम देख रहे हैं वो पोप की अथॉरिटी देख रहे हैं, चर्च की अथॉरिटी, नॉट इन द सोशल इंस्टीट्यूशन बट रादर विद इन द वेरी लाइफ ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल. इंसान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता यूरोप आइडियोलॉजी में, कौन एग्जिस्ट करता है? गॉड. गॉड इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसे हमारी सोसाइटी में भी हम देख लेना, हमारी हर चीज मजहब के इर्द गिर्द घूमती, ठीक. दैट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ यूरोपियन लाइफ. यूरोप लाइफ का सेंटर क्या था? गॉड. अब ये जो थॉट है, सेंट्रिक अप्रोच है जो, उसने थोड़ी सी की क्या बहुत ज्यादा जो है वो करप्शन भी कर दी. किस तरह का? ये क्योंकि गॉड इज अ काइंड ऑफ वेरी मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, आप खुद ने ही देखा. दूसरी बात यह है कि जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं वो इधर दे आर इन हीब्रू और दे आर इन लैटिन. सो अ कॉमन मैन डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू दोज होली स्क्रिप्चर्स. तो देयर आर थर्ड पार्टीज, मीडियोक्रीज इन बिटवीन. और वो मीडियोकर पार्टी कौन सी थी? चर्च, पोप्स, किंग, नाइट्स, सॉरी आपके प्रीस्ट एंड मॉन्क्स एंड ऑल दिस, ठीक है. अब आप चौसर भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं चर्च के, ठीक. हमने बेसिकली शिफ्ट देखा है फ्रॉम 15 टू 16 सेंचुरी. इस बेसिक आउटलुक में एक शिफ्ट आया है. नाउ व्हाट इज दैट शिफ्ट? द प्लेस व्हिच हैड बीन एंजॉयड बाय द गॉड एंड चर्च फॉर सो लॉन्ग, इट वॉज नाउ टेकन बाय द मैन हिमसेल्फ. अब 16 सेंचुरी में जब रिवाइवल हो रही है, मैं कह रही हूँ ना ह्यूमन स्पिरिट का रिवाइवल है. ये स्पिरिट क्या है? ये स्पिरिट है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिलीजियस टू सेक्युलर सोसाइटी, सेक्युलर आइडियोलॉजी. व्हाट इज सेक्युलर आइडियोलॉजी? सेक्युलर आइडियोलॉजी डजंट मीन अ नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजी. जहन में रखिएगा, सेक्युलर का मतलब लादीनियत नहीं होता. सेक्युलर का मतलब होता है कि ह्यूमन इज द बेसिक कंसर्न ऑफ द सोसाइटी. आप चाहे सोशल स्ट्रक्चर्स में ले लें, बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स में जहाँ ह्यूमंस जो है एज एन एलिमेंट मौजूद हैं, या आप इंडिविजुअल लाइफ ले लें, ह्यूमन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग. पढ़ी होगी लाइन, बहुत ही मशहूर लाइन, ह्यूमन इज द मेजर, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये इंसान की दुनिया है, ठीक है. हम ही ने इस पर क्या करना है? काम करना है. तो वी आर कंसर्न विद दिस लाइफ, वी आर कंसर्न विद दिस वर्ल्ड, एंड वी शुड मेक दिस वर्ल्ड बेटर इंस्टेड ऑफ होपिंग दैट वी शुड मेक दैट वर्ल्ड बेटर. एक ऐसी वर्ल्ड जो अभी तक आपने देख ही रही, एक ऐसी वर्ल्ड वेदर आई डोंट नो वेदर इट इज प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट. मैं नहीं कह रही, ये बता रही हूँ, नैनिज्म की कोई आइडियोलॉजी थी. कहीं आप मेरे ईमान पर फतवा लगा, हम तो अकीदा आखिरत पर बिलीव रखते हैं, ठीक है. अगर चाहे ये बड़ा हमारे कॉन्सेप्ट इतने रिजिड हैं कि ये 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 अकीदे भी ना सर्टेन टाइम हमारी आइडियोलॉजी को डिस्टॉर्ट करते हैं, वो कोई और बहस है. हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि वो जो गॉड की पावरफुल अनक्वेश्चनेबल चर्च की, पोप की, गॉड की जो पोजीशन थी वो क्या हो गई? शेक. वहाँ से आपने उसको रिप्लेस किया, डिसप्लेस किया, और रिप्लेसमेंट में आप क्या लाए? ह्यूमन हिमसेल्फ. And human, not only as an species, human की as an species नहीं सिर्फ, but as an individual also. तो वो जो एक human liberalism की एक movement जो फिर 19th century में बहुत ज़्यादा आप कह लें या early 20th century में हमें बहुत ज़्यादा strong उभरती हुई नजर आई, उसके बीज जो है वो यहीं बीजे जा चुके. Got this? समझ आ रही? अब देख लेते हैं. It was originated in Italy in the late 14th century or the early 15th century. Iska origin kya hai beta? Italy. Basically, we mark the origin of Renaissance with the work of Boccaccio. And there is one other. Boccaccio and? जी बेटा, हाँ ठीक, कैमरा भी है इसी में. पेट्रॉक, देयर आर नंबर ऑफ अदर्स आल्सो. ये दो मेजर फिगर्स. कमिंग टू एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड, वी मे से दैट दांते वाज द लास्ट मैन ऑफ द मिडिवल लिटरेचर. दांते आपके मिडिवल के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव है.
मैंने कल बताया था आपको, नहीं आपको नहीं, सेवन सेमेस्टर में था, हम डिवाइन कॉमेडिया डिस्कस कर रहे थे। तो डिवाइन कॉमेडिया में बेसिकली उसने क्या किया है, हेल और रिलीजन को जो है वो मौजू कर दिया। तो इवन बिफोर अगर आपने ये स्पिरिट का शिफ्ट किसमें देखना है, लिटरेचर में देखना है, तो हम ये देख रहे हैं कि बिफोर रेनेसांस द मेन कंसर्न ऑफ अ लिटरेचर इज टू डायरेक्ट द कॉमन मासेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन। डायडेक्टिक लिटरेचर लिखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें फिर चौसर के साथ में लिबरल ह्यूमैनिज्म की जील नजर आ रही है कि वो किसी को आप कह रहे हैं फतवा नहीं दे रहे हैं किसी पर, या किसी को बहुत स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि ये गलत कर रहे हैं और ये गॉड के खिलाफ में है। ही इज नॉट अ डायरेक्टिक, वो कहीं आपको तब्दील करते हुए नजर नहीं आता। डिवाइन कॉमेडिया तक या मिडिवल पीरियड तक लिटरेचर इज मोस्टली डायडेक्टिक। डायडेक्टिक मतलब द वन विच इज प्रीच कर रहा है, तब्लीग कर रहा है, या उसका मकसद आपको एस्थेटिक प्लेजर देना नहीं है, उसका मकसद एक बेहतर सोसाइटी प्रोड्यूस करना है, और उसके पैरामीटर्स कौन से, रिलीजियस पैरामीटर्स। बात समझ में आ रही। कमिंग टू द रेनेसांस लिटरेचर, ये शिफ्ट अब हमें नजर आ रहा है। पहले हम लिटरेचर में किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर रहे हैं, गॉड ही कहता है, रिलीजन नहीं कहता है, हमें इस तरह जिंदगी बनानी चाहिए, ये मोरल प्रिंसिपल है। आप देख रहे हैं एलिगरीज भी किया गया, उन एलिगरीज में से ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, सच झूठ एंड दिस। When it comes to the 16th century literature, now this has been replaced by the very subjective, very innermost feeling of the man himself. इंसान क्या सोचता है, इंसान क्या फील करता है, being a poet, being a representative of the society, what he is feeling, वो जो है बहुत ज्यादा हमें लिटरेचर में ये स्पिरिट जो है वो नजर आता, इंडिविजुअलिज्म की स्पिरिट। ठीक है, समझ आए। अच्छा, अगर इसकी कॉजेज देख लें हम, तीन चार बड़े फिनोमेना जो रेनेसेंस में हुए, द वन इज ह्यूमैनिज्म, द मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, या जिसको हम रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, आप बल्कि इसको रिफॉर्मेशन ही कहें, ह्यूमैनिज्म एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमैनिज्म सिंपली मींस द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिटी और शिफ्ट फ्रॉम द रिलीजियस टू सेक्युलर आइडियोलॉजी। गॉट दिस। चले जी, अब इसकी कॉजेज देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर कॉजेज, क्यों हुआ ऐसा। कोई भी चेंज बेटा ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता, देर इज ऑलवेज, देर आर ऑलवेज सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन रूट कॉजेज बिहाइंड इट। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर वर्किंग बिहाइंड द रेनेसांस। रेनेसांस वो पीरियड था, देर हैड बीन लॉट ऑफ एक्टिविटी, not on the social and political level, rather on the level of invention. Science में बड़ी invention हो रही थी, और science के जो narrative थे वो directly Bible से टकरा रहे थे। Galileo याद है? Yes, इसी period के Renaissance। ठीक है, अब Galileo आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब क्या कह रहे हैं, याद है कुछ physics वालों, physics किसने पढ़ा, सब ने पढ़ा, short term memory loss, ऐसे लग रहा है कभी। Galileo क्या कहता था जनाब, this is actually the sun which is the center of the solar system and this is earth which is revolving around the sun. So Bible is saying that the earth is at the center. Bible तो कहती है earth center में। Galileo साहब उठ कर आ गए, नहीं जी center में कौन है, sun। अब क्या होगा, क्योंकि church बहुत ताकतवर है सर, उसने Galileo से जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया और सारी जिंदगी उसने फिर गुमनामी में गुजार। अब तो एक मजे की बात, In this 21st century, 500 years have been passed. 500 साल गुजर गए। Galileo की शायद अड़ियां भी नहीं होंगी उसकी कब्र में। चर्च ने रिटन अपॉलॉजी लिखी है Galileo, कैथोलिक चर्च, कि वी वर रॉन्ग एंड वी वर राइट। तो Galileo ने उस वक्त भी यही कहा था, चर्च कुछ भी कहे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही सेंटर में रहेगा। आप अब अपनी सोसाइटी देखें, बहुत सारे नए नए साइंटिफिक नैरेटिव आ रहे हैं, वो डायरेक्टली रिलीजियस स्क्रिप्चर से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसमें आपका एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों भी यूट्यूब पर बड़ी लाखड़े और डिबेट्स चल रही थी एवोल्यूशन और क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल आप इतनी उसमें नहीं चाहेंगे कि हमारे इधर क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एनालॉजी बता रही हूँ ताकि आप उस जमाने का जो एक माइंडसेट है उसको समझ सकें। ठीक हो गया,
टाइम बताए। कोई बात नहीं, उनको बोले मैं आधे घंटे में आऊँगी, आधे घंटा लेक्चर लूँगी। फर्स्ट सेमेस्टर उनका बहुत कोर्स है। अच्छा अब हम इसकी कॉजेज देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो है जी रिवाइवल ऑफ राइट एंड रॉन्ग नेम, द फर्स्ट कॉज रिवाइवल ऑफ लैटिन लिटरेचर। लैटिन लिटरेचर में एक शिफ्ट नजर आया हमें, लैटिन लिटरेचर की स्पिरिट में, बल्कि इससे भी पहले आप करें रिवाइवल ऑफ ग्रीक लिटरेचर। आवाज ना करें बेटा, लैटिन लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर का रिवाइवल जो है वो बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड है। Basically, it is the Greek literature which affected or impacted the, influenced rather the Italian literature, the revival of Italian literature. Hua kya? Reason kya thi? The main reason was fall of Constantinople. Thank you. Fall of Constantinople in 1453.